हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। आज के वीडियो में वज्रासन। वज्रासन एक अकेला ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। वज्रासन करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं, किस तरह करना चाहिए, ये जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने इस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। वज्रासन में पैरों को घुटनों से मोड़ करके बैठना होता है। पैर के पंजों को तिरछा करके उसके तलवों पर बैठ जाइए। इस तरह पैरों पर बैठना है और आपको रीढ़ की हड्डी और सर को सीधा रखना है। दोनों हाथ की कोहनियाँ बिना मोड़े हथेलियों को जमीन की ओर करके घुटनों पर रखिए। गर्दन सीधी होनी चाहिए और नज़र सामने की ओर। नॉर्मली जैसे आप ब्रीथ करते हैं वैसे करना है। अगर हो सके तो लंबी और गहरी सांस लीजिए। लेडीज़ और जेंट्स कोई भी इसे कर सकता है। ये आसन काफ़ी समय तक किया जा सकता है, सरलता से किया जा सकता है और ये एक अकेला ऐसा आसन है जो हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद इसे 5 मिनट रोज किया जाएगा तो आप डाइजेशन की क्षमता बहुत आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। भोजन आसानी से हजम हो जाता है, पेट में बनने वाली गैस खत्म होने लगती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, भोजन अच्छी तरह पचता है और उसके कारण बनने वाली रस, रक्त आदि धातुएं आपके शरीर में हर ऑर्गन्स तक प्रॉपर न्यूट्रिशंस पहुंचाने का काम करती हैं। नसें मजबूत होती हैं। नाभि से जुड़ी हुई 72,000 नाड़ियों पर भी इसका असर पड़ता है। इंटेस्टाइन पर दबाव पड़ने के कारण उसमें होने वाली किसी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। पेट में बनने वाली गैस और दर्द को ये आसन ठीक करने का काम करता है। पंजों, घुटनों, कमर और रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है। इस आसन को करने से कमर दर्द, साइटिका का दर्द या पीठ का दर्द ठीक होने लगता है। पैरों में आर्थराइटिस की समस्या नहीं होने पाती है, वात रोग नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, जिन्हें नींद अधिक आती हो, जिनमें कंसंट्रेशन की कमी होती है, उनका मन एकाग्र होने लगता है, याददाश्त भी बढ़ती है। यंग स्टेज से ही इस आसन में बैठ करके बालों में कंघी की जाए तो बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। इसका लगातार अभ्यास करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एनीमिया जैसे रोग ठीक होते हैं, शरीर सुंदर और निरोगी बनता है। दोपहर को और रात में भोजन करने के बाद अगर वज्रासन पे बैठा जाए तो आपका किया हुआ भोजन बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से पच जाता है। इस आसन में प्राणायाम किया जाए तो सांस से संबंधित बीमारियां, सांस का फूलना दूर होता है, लंग्स में मजबूती आती है और लंग से संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं। इस आसन को करते रहने से शरीर हमेशा यंग बना रहता है। इस आसन को करने से हमारे शरीर को इतनी मजबूती मिलती है कि वज्र की तरह मजबूती देने के कारण इसे वज्रासन नाम दिया गया होगा। तो ये थे वज्रासन के फायदे और इसे कैसे करना चाहिए। उम्मीद है इस जानकारी का फायदा आप जरूर उठाएंगे। और वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और भी ढेरों वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।